नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। आज कटरा के पर्ची काउंटर नंबर 2 पे एक नव निर्मित सुलभ शौचालय का उद्घाटन किया गया। हम आपको बताते चलें कि 1,16,00,000 रुपए की लागत से इस सुलभ शौचालय का निर्माण हुआ है और यात्रा के आगमन का पूरा ध्यान इधर रखा गया है, क्योंकि पर्ची काउंटर नंबर 2 के इलाके में काफ़ी मात्रा में श्री माता वैष्णो देवी के यात्री आते हैं और शौचालय की हर समय ज़रूरत रहती है। इसी को देखते हुए टेक्निकली साउंड और नए तरीके के कंपोनेंट्स इस सुलभ शौचालय में लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को पूर्ण रूप से सुविधा मिल सके। आप देखिए NH1 न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। एक मिनट सर, आज माता जी के चरणों में मुझे सुलभ की तरफ से ये ऑफर आई थी कि ट्रैक्टर लोकल बॉडीज और मैं मिलके इसका उद्घाटन करें, जो यहाँ पर सुलभ ने सुविधा बनाई है, जिसमें 24 के करीब 26 के करीब बाथरूम और वॉशरूम है। और ये जो पैसा जो है, ये पेट्रोनेट LNG जो कंपनी है जो गैस की और डील करती है, उसकी तरफ से 1,16,00,000 रुपये की लागत से ये हमने बनाया है। सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनियां काम करती हैं उनके लिए ये एक प्रावधान होता है, एक प्रोविजन होता है कंपनियां के लिए कि 2% पैसा जो है इन कामों में लगाना है ऑल ओवर द कंट्री। ये जो आज की फैसिलिटी जहाँ क्रिएट की गई है, मुझे लगता है खास करके एक बड़ी अप्रोप्रिएट जगह बनाया है, जहाँ पर बस स्टैंड है और आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत आती होगी जहाँ पर, जिसके लिए सुविधा के लिए खास करके लेडीज के लिए। पेट्रोनेट का जिन्होंने CSR के तहत आपका बहुत अच्छा एक मॉडर्न ये सैनिटरी कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, ऐसे ही हमें पता है कि कटरा जो है दैट इज़ द फेस ऑफ JNK इन होल इंडिया, क्योंकि कटरा में बाहर से बहुत यात्री जाते हैं वैष्णो माता के पिलग्रिम टूरिस्ट हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा ये फोकस है कि यहाँ पे क्लीन एंड सैनिटरी हो, और आपको इस बात का फख्र होना चाहिए कि रिसेंटली अभी जनवरी में ही कटरा को क्लीन सिटी अमंग ऑल द यूटीज मिला है। यहाँ पे इतने भी आपके अफसरान यहाँ पे काम करते हैं, ये मुबारकबाद की रफ्तार है इस चीज़ के लिए। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो अमंग यूटीज जो है, कटरा अभी सबसे क्लीन सिटी घोषित किया गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है सैनिटेशन का, आपकी बात सही है सैनिटेशन का काम, क्योंकि फुटफॉल ज्यादा है, पिछले साल ज्यादा यात्री आए, तो जैसे जैसे फुटफॉल ज्यादा होता जाएगा तो ये इस काम की और हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो काम हुआ है उसका भी पहले हम सराहना कर लें कि जो हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं बड़ा अच्छा काम करें और ये आगे भी करते रहेंगे। तो ये जो CSR के तहत भी आपको एक मॉडर्न सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स मिला है, इट इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। और जैसा आप बोल रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की दिक्कतें हमें पता चलेगी यहाँ पे जुड़ते हैं, वैसे वैसे हम अपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे और करेंगे, सो दैट कि यहाँ पे जो कटरा है वो क्लीन रहे। ठीक है, और मुझे लगता है अभी तक तो ठीक है हमारे इनिशिएटिव, और जैसे जैसे पब्लिक की डिमांड आती जाएगी वैसे वैसे हम यहाँ पे जितने भी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स अगर चाहिए होंगे तो हम आगे भी इनिशिएटिव लेंगे NGOs के साथ CSR के तहत।